दोस्तों ये है लावा E3 पावर और ये है मोटोरोला A50। और ये जो है दोनों भी काफ़ी अच्छे फीचर फ़ोन हैं अपने अपनी कंपनी के हिसाब से। तो आप अगर कोई एक फ़ीचर फ़ोन देख रहे हो जो कि आपके बजट में हो, तो इन दोनों में से आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए? अगर ये दोनों प्रीफर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो एंड तक देखिए। काफ़ी ईजीली कंपेयर कर दिया है मैंने आपके लिए, तो कंपैरिजन मिस बिल्कुल भी मत करना। मेरा पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं सीधा कंपैरिजन की ओर। सिंपली डिज़ाइन के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, डिज़ाइन आप खुद देख के यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से फ़ोन का डिज़ाइन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा है। फॉर्म फैक्टर की बात करूँ तो लावा A3 पावर जो है यहाँ पे थोड़े से बड़े फॉर्म फैक्टर में आता है, थोड़ा सा बल्की है हाथ में, और मोटो A50 ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा है और हाथ में काफ़ी ईजिली फिट हो जाता है। तो ये भी आपके हिसाब से चेक कर यू नो चूज़ कर सकते हो, बड़ा फ़ोन चाहिए या फिर छोटा फ़ोन चाहिए इनके हिसाब से। तो डिस्प्ले की बात करता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, बिल्ड क्वालिटी क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है, प्लास्टिक बिल्ड है, काफ़ी स्टर्डी है, तो सीधा बढ़ेंगे डिस्प्ले की ओर। यहाँ पे 1.8 इंच का डिस्प्ले आपको दोनों फ़ोन में मिलता है, TFT डिस्प्ले है, ज़्यादा चेंज नहीं है। ब्राइटनेस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 5 लेवल का ब्राइटनेस आपको दोनों फ़ोन्स में यहाँ पे मिलता है, वहाँ पे भी चेंज नहीं है। कीपैड की अगर मैं बात करूँ तो बैकलिट कीपैड आपको दोनों फ़ोन में यहाँ पे देखने मिलता है, कोई विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको छोटे अल्फाबेट और नंबर देखने में प्रॉब्लम होगा तो वो दोनों में होगा, बट ओवरऑल कीपैड स्पेसिंग एंड टैक्टाइलनेस दोनों का काफ़ी सिमिलर है, डिस्प्ले का आउटपुट काफ़ी सिमिलर है, अच्छे से ब्राइटनेस में आप इसे विजिबिलिटी पा सकते हो, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज एंड कीपैड वाइज या आई एम सेटिस्फाइड विद बोथ ऑफ दिस डिवाइसेस। बात करूँ बेसिक स्पेसिफिकेशन की जो कि काफ़ी सिमिलर होने वाले हैं, आपको जल्दी से बता देता हूँ। ब्लूटूथ का सपोर्ट आपको दोनों डिवाइसेस में यहाँ पे मिलता है दोस्तों। 0.3 मेगापिक्सल कैमरा आपको दोनों डिवाइसेस में देखने मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्पीकर आपको इसके अंदर मिलता है, डुअल सिम सपोर्ट दोनों डिवाइसेस में है, 2G सपोर्ट करता है और जियो के सिम कार्ड इन दोनों फ़ोन्स में नहीं चलेंगे। बाकी जो भी सिम कार्ड आप यूज़ कर रहे हो दूसरे ब्रांड के हो, अगर वो 2G नेटवर्क के साथ आते हैं तो वो सारे इसके अंदर चलेंगे। मैंने पर्सनली इसमें VI का सिम यूज़ किया था और कॉल में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सामने वाले को भी मेरा आवाज़ प्रॉपरली जा रहा था, मुझे भी ईयरपीस से दोनों डिवाइसेस से अच्छे से आवाज़ आ रहा था। तो ओवरऑल कॉल क्वालिटी वाइज एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेमोरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको 32 GB तक का मेमोरी कार्ड आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, तो मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा वायरलेस FM का सपोर्ट है इसके अंदर, और विदाउट हेडफोन भी वायरलेस FM काफ़ी अच्छे से काम करता है। यस, वायरलेस FM विदाउट हेडफोन ही काम करता है, तो दोनों में FM काफ़ी अच्छे से काम करता है। दोनों के स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा लाउड है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हेडफोन नहीं होगा तो भी आप आराम से इससे सुन सकते हो। 3.5 mm पोर्ट भी बॉटम में आपको दोनों फ़ोन्स के मिल जाएगा, अगर आपको हेडफोन के साथ सुनना होगा तो आप सुन सकते हो। बाकी ओवरऑल यही है कुछ सिमिलर स्पेक्स इन दोनों फ़ोन के, मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करते हैं दोस्तों। और एडिशनल फीचर्स की बात करूँ जो बहुत लोग मुझे पूछते हैं, तो भैया ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग दोनों फ़ोन्स में आपको मिलता है, और कॉन्टैक्ट में आपको इमोजी सेव करने की आदत है तो दोनों भी फ़ोन्स में दोस्तों आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट इमोजी सेव कर सकते हो, ये भी एडिशनल फीचर है जो कि अच्छा है। अब ये तो हमने फीचर्स की बात कर ली दोस्तों, बढ़ते हैं बाकी चीज़ों की ओर। यहाँ पे फ़ोन मेमोरी की, इंटरनल मेमोरी की अगर मैं बात करूँ तो लावा A3 पावर में दोस्तों आप 100 SMS एंड 500 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो इंटरनल मेमोरी में। वहीं पे बात करूँ मोटोरोला A50 की तो इसमें आप 200 SMS एंड 800 कॉन्टैक्ट्स सेव कर सकते हो इंटरनल मेमोरी में। तो मेमोरी आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप यहाँ पे मोटोरोला के साथ जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको एडिशनल 100 SMS एंड एडिशनल 300 कॉन्टैक्ट सेव करने का ऑप्शन मिलता है। बाकी चीज़ों की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे बैटरी की बात करूँगा तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि फॉर्म फैक्टर यहाँ पे जो है लावा A3 पावर का थोड़ा सा बड़ा है, वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको 2575 mAh की बैटरी मिलती है जो ऑलमोस्ट 10 दिन तक यहाँ पे चल जाती है। और एक एडिशनल चीज़ मुझे इसके अंदर अच्छी लगती है वो ये है कि इसके डिस्प्ले के ऊपर दोस्तों यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर आता है, तो जितनी भी बैटरी बची होगी वो कितने दिन तक चलने वाली है इसका इंडिकेटर इसके अंदर आपको मिलता है, जो किसी भी फीचर फ़ोन में अभी तक मैंने नहीं देखा है। बाकी बात करूँ मोटोरोला के बैटरी की तो यहाँ पे 1750 mAh की बैटरी आपको मिलती है, जो कि A10 में भी है, A50 में भी है और A70 में भी है। तो इन तीनों मॉडल्स में सेम यहाँ पे मोटोरोला में आपको बैटरी देखने मिलती है 1750 mAh। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 5-6 दिन तक आराम से आपको मिल जाएगी बैकअप, अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, अगर आप कॉलिंग ज़्यादा करते हो तो 2-3 दिन तक चल जाएगा। सेम चीज़ अगर मैं A3 पावर के बारे में बताऊँ, अगर आप बहुत इंटेंस यूज़ करते हो तो 5-6 दिनों तक आराम से चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। मैंने इसे एक दिन चार्ज किया था और बहुत कम यूज़ किया था तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक ये बिना चार्जिंग के ऐसे ही था और फिर भी 5 दिन की बैटरी बची थी। तो A3 पावर मैं तो पर्सनली यहाँ पे बैटरी को लेके प्रेफर करूँगा, बाकी आपकी चॉइस है, आप कौन सा डिवाइस यहाँ पे चूज़ करना चाहते हो।
दोस्तों प्राइसिंग के ऊपर आ जाता हूँ मैं शॉर्ट में कि प्राइसिंग कैसी है। दोस्तों E3 पावर जो यहाँ पे लावा का फ़ोन है ये आपको 1300 तक मिल जाएगा अमेज़ॉन के ऊपर। और वहीं पे बात करूँ मोटोरोला A50 की तो ये जो पर्टिकुलर फ़ोन है दोस्तों ये आपको समवेयर अराउंड 1700 में मिलेगा अमेज़ॉन के ऊपर। प्राइसिंग में यहाँ पे 300-400 का डिफरेंस है। अब लिंक्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लेटेस्ट प्राइस, अगर आपको चेकआउट करना हो तो, एंड आपको बाय भी करना हो तो आप उसी लिंक से बाय कर भी सकते हो। अब मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं कि आपको इन दोनों फ़ोन्स में से कौन सा चूज़ करना चाहिए। अब देखो मोटोरोला A10 और मोटोरोला A50 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कैमरा का डिफरेंस है बैक साइड में। तो ऑलमोस्ट मेरा वर्डिक्ट इस वीडियो के लिए भी सेम रहने वाला है, मैं यहाँ पे जाऊँगा लावा A3 पावर के साथ। अब रीजन जो है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो फॉर्म फैक्टर मुझे थोड़ा सा बड़ा ही पसंद है, मैं ज़्यादा छोटे फ़ोन्स प्रेफर नहीं करता हूँ। इसमें म्यूज़िक प्लेयर आपको मिलता है जो कि A50 में भी आपको मिलता है, बट इसमें म्यूज़िक के लिए आपको डेडिकेटेड की यहाँ पे दी गई है। तीसरी चीज़, यहाँ पे आपको डिस्प्ले के ऊपर बैटरी इंडिकेट कर दी जाती है कि कितने दिन तक बैटरी आपका रहने वाला है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और बैटरी 2575 mAh बहुत ज़्यादा बैटरी है, और मुझे बहुत ज़्यादा बैकअप अगर चाहिए तो डेफिनेटली मैं लावा A3 पावर के साथ ही जाऊँगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ पे मोटोरोला A50 है ये बुरा फ़ोन है, बिल्कुल भी नहीं। ये स्पेक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और बहुत सारे फ़ोन्स ऐसे हैं इस प्राइस पॉइंट पे जिसे ये इजीली हरा देगा। बट फिर भी जिस हिसाब से जिस प्राइस पॉइंट पे 1300 में A3 पावर इतने ज़्यादा फीचर्स दे रहा है, 1600-1700 में मोटो A50 इतने फीचर्स नहीं दे रहा है, तो इसलिए डेफिनेटली आज का विनर यहाँ पे इन दोनों फ़ोन्स में से होने वाला है लावा A3 पावर। तो ये था मेरा वर्डिक्ट दोस्तों आज की इस कंपैरिजन वीडियो के लिए। आपका ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। अगर मैंने कुछ भी मिस आउट कर दिया दोस्तों तो वो भी आप नीचे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और आपके सवाल कुछ हो बिंदास पूछिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक का बटन यहाँ पे जल्दी से क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर देना, मैं ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक या फिर गैजेट के साथ। थैंक यू।